नमस्कार, सुपरफास्ट मीडिया एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी राणा। रामपुर के शाबाद बिलारी सैफनी मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फान में घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। वही हादसे में मरने वालों के शख्स के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने SST की टीम गठित कर दी गई है जो लगातार शहर में घूम घूम कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर रही है। SST की टीम ने नोदोर ब्रिज के पास जन्मदिन की बधाई देने वाले KK होर्डिंग पर भी कार्यवाही की है। इस होर्डिंग में राहुल रोहाणी नामक युवक पर जन्मदिन की बधाई के लिए पोस्टर लगाए गए थे जिसमें राहुल के साथ 17 अन्य लोगों की भी तस्वीरें हैं। SST ने न सिर्फ इस होर्डिंग को जब्त किया बल्कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी 18 लोगों के खिलाफ ओमती थाने में FIR दर्ज कराई है। अधिकारियों का कहना है कि इस होर्डिंग को लगाने के लिए ना तो नगर निगम से परमिशन ली गई है और ना ही निर्वाचन कार्यालय से, जबकि आचार संहिता में इस तरह की बधाई के होर्डिंग लगाना वर्जित है। पार्टी विशेष का तो उसमें लिखा हुआ तो नहीं था लेकिन उसमें एक नाम था राहुल रोहाणी, तो लोगों का यही सब कहना था कि भाई ये है, ये किसी पार्टी से रिलेटेड हुई होंगे और उनका कोई जन्मदिन है तो इसका एक प्रचार टाइप का लग रहा है। कितने लोगों पर कार्रवाई की? उसमें 17 लोग हैं उस पोस्टर में, इनको राहुल रोहाणी को छोड़ करके टोटल 17 लोगों के नाम दर्ज है। कुल टोटल आचार संस्था के उसमें, हाँ ये आचार संस्था के विरूपण में आता है कि किसी भी प्रकार का प्रचार या कुछ भी करना बिना सहमति के, बिना लिखित आदेश के कुछ भी नहीं कर सकते। आपका नाम और पद बता देना। कौशाम्बी के बबरा मोड़ के पास रात चरवा पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। वाहन चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा करने पर शातिर आरोपी रामचंद्र पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। घेराबंदी करते हुए पुलिस ने रामचंद्र को पकड़ लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी के निशानदेही पर चोरी की 3 बाइकें और 1 स्कूटी भी बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जबलपुर GRP ने एक फर्जी TTE को हिरासत में ले लिया है जो कटनी भुसावल पैसेंजर में यात्रियों से टिकट के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। GRP थाना प्रभारी ने बताया कि जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर पहुंची तो GRP को सूचना मिली कि सुरेंद्र बर्मन नामक एक शख्स खुद को TTE बताकर यात्रियों से पैसे वसूल रहा है लेकिन उसके पास कोई टिकट बुक भी नहीं है, जिसके बाद GRP ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। जहांगीराबाद के जनता आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में एकादशी के पर्व पर नगर का बरसों पुराना एकादशी लक्की मेला धूमधाम से संपन्न हो गया, जिसमें क्षेत्र की परंपरा निभाने के लिए सुंदर सुंदर झांकियों के साथ निकाली गई महाकाली की शोभा यात्रा की एक झलक पाने के लिए लोगों का सौबाल उमड़ उठा। भीड़ को संभालने और व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। जय हो के बीच काली का स्वरूप बने चंद्रभान ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए जनसैलाब को झूमने पर विवश कर दिया। एकादशी मेले का उद्घाटन व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख समाजसेवी सोनू पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर और महाकाली की आरती उतार कर किया। खबर UP के मुजफ्फरनगर से जहां पर चरथावल में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में DCM और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। वहीं घायलों की हालत को खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार DCM के चालक ने शराब पी रखी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम ताज़तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।